हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम समझेंगे यूज टू मॉडल वर्ब। इसको हम प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट तीनों टेंस में कैसे यूज़ करते हैं। यूज टू मॉडल वर्ब के तीन यूजेस होते हैं, तीनों ही मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं। यूज टू और वुड में क्या डिफरेंस है ये भी मैंने इस वीडियो में बताया है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखें। यूज टू व्हेन वी रेफर एक्शंस एंड सिचुएशंस इन द पास्ट बट डजेंट हैपन एनी मोर, यानी कि जब हम कुछ ऐसी एक्शन या सिचुएशन की बात करते हैं जो पास्ट में होती थी लेकिन अभी नहीं होती, यानी कि कोई काम आप पास्ट में किया यानी कि बीते हुए समय में किया करते थे, जैसे आप बचपन में खेला करते थे, अगर अब आप नहीं खेलते तो ये काम ऐसे हो गए जो आप पहले किया करते थे अभी नहीं करते। तो इन मैं मंदिर जाया करता था लेकिन अभी नहीं जाता, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंसेज में आप यूज टू का यूज करेंगे। अब इसका रूल देख लेते हैं। सब्जेक्ट आता है हमारा पहले, फिर यूज टू होता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। बिफोर मैरिज, शादी से पहले, आई यूज टू डू योगा फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे योगा किया करती थी। शी यूज टू लिव इन हॉस्टल, मैं हॉस्टल में रहा करती थी। ही यूज़ टू प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेला करता था, बट ही हर्ट हिज नी एंड हैड टू स्टॉप, उसने अपने घुटने पर चोट लगवा ली और रोकना पड़ा। सी यूज़ टू गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, वह हर सुबह वॉक पर जाया करती थी। यानी कि इन सेंटेंसेस में हमने उन एक्शंस की बात की है जो पास्ट में हुआ करते थे, यानी कि बार बार हुआ करते थे लेकिन अब वो नहीं होते, तो हम क्या यूज़ करेंगे? यूज टू, यानी कि उन एक्शंस और सिचुएशन के लिए जो पास्ट में हुआ करती थी। ओके, अब इससे हम क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे ये देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा हमारा यूज्ड, फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेंटेंस देख लेते हैं। यूज्ड शी टू लिव इन हॉस्टल, क्या वह हॉस्टल में रहा करती थी। यूज्ड ही टू प्ले टू क्रिकेट व्हेन ही वॉज किड, क्या वह क्रिकेट खेला करता था जब वह बच्चा था। यूज्ड आई डू योगा फॉर 2 आवर्स, क्या मैं 2 घंटे योगा किया करती थी। अब बात आती है कि यूज टू का नेगेटिव कैसे बनाते हैं। दो तरीक़ों से हम यूज़ टू के नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। पहला है हमारा यूज्ड नॉट टू, ये बहुत ही फॉर्मल है। दूसरा है हमारा डिडंट यूज़ टू का यूज़ करके। जब हम डिड यूज़ करते हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं करते, क्योंकि डिड खुद ही अपने आप में वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ओके, तो ध्यान रखना, इसीलिए हमने डिडंट के बाद यूज़ लिखा है, ना कि यूज्ड। फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग हम सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे? पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर यूज्ड लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेंटेंस देख लेते हैं इस पर कुछ। सी यूज्ड नॉट टू लिव इन हॉस्टल, वह हॉस्टल में नहीं रहा करती थी। ही यूज्ड नॉट टू प्ले क्रिकेट व्हेन ही वॉज किड, वह क्रिकेट नहीं खेला करता था जब वह बच्चा था। आई यूज्ड नॉट टू डू योगा, मैं योगा नहीं किया करती थी। डिडेंट यूज़ टू की हेल्प से सेंटेंस बनाते वक्त सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर डिडेंट यूज़ टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। शी डिडेंट यूज़ टू लिव इन हॉस्टल, कुणाल डिडेंट यूज़ टू प्ले गिटार, रिया डिडेंट यूज़ टू कुक फूड। ये सेम बिल्कुल यूज्ड नॉट टू की तरह ही है, बस वहाँ पे हमने यूज़ नॉट टू की जगह डिडेंट यूज़ टू लिख लिया है। अब हम अगर किसी काम को ये कहना चाहे कि वह यह काम कभी नहीं किया करता था तो हम क्या यूज़ करेंगे? नेवर। नेवर के बाद हम यूज़ टू का यूज़ करेंगे। अब कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। शी नेवर यूज़ टू लिव इन हॉस्टल, वह कभी हॉस्टल में नहीं रहती थी। आई नेवर यूज़ टू डू योगा, मैं कभी भी योगा नहीं करती थी। ही नेवर यूज़ टू सिंग, वह कभी नहीं गाता था। इसके बाद हम बात करते हैं हैबिट। हैबिट के केस में हम कैसे यूज़ टू का यूज़ करते हैं? हैबिट और हैबिचुअल, यानी आदत और आदि, इन दो शब्दों में क्या अंतर है ये समझ लेते हैं। आदत होती है यानी कि कोई चीज़ आप में नेचुरली है, आपके अंदर से निकल कर आती है। ओके, और आदि हो जाना होता है यानी कि आप किसी चीज़ को आपको अपनाना पड़ता है,
तो आप उस चीज़ के आदी हो जाते हैं। जैसे आपका कोई आपका बॉस है बहुत गुस्से वाला है, ओके, और आपको उसको सहन तो करना है, तो आप क्या होते धीरे धीरे उस चीज़ के आदी होते चले जाते हैं। अब इसका रूल क्या होगा, पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे इज एम आर यूज टू नाउन, या फिर अगर यहाँ पे कोई एक्शन वर्ब है तो उसके साथ हम आई एन जी लगाएंगे, नाउन है तो एज इट इज लिख देंगे। ओके, आई एम यूज टू गेटिंग अप अर्ली, देखो यहाँ पे हमारा गेट क्या है, वर्क के कोई काम है तो हमने क्या लगाया इसके साथ आई एन जी लगा दिया। मैं सुबह जल्दी उठने की आदी हूँ, ही इज यूज टू हर नेचर, वह उसके स्वभाव का आदी है या उसको उसके स्वभाव की आदत है। यशिका इज यूज टू वॉचिंग कार्टून्स, यशिका कार्टून देखने की आदी है या यशिका को कार्टून देखने की आदत है। आई एम यूज टू दिस गर्ल, मुझे इस लड़की की आदत है या मैं इस लड़की का आदी हूँ। इस तरह से आप आदत बताने के लिए यूज टू का यूज करेंगे। आप देख लेते गेट प्लस यूज टू कैसे यूज करेंगे, जब आप कहना चाहते हो कि आप किसी काम के आदी हो सकते हो तो हम गेट प्लस यूज टू यूज करेंगे, जो गेट है वो आपका अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज हो जाएगा। गेटिंग प्लस यूज टू, जब आप किसी काम के आदी होते जा रहे हो, यानी कि मैं चाय पीने का आदी होता जा रहा हूँ, मैं लेट उठने का आदी होता जा रहा हूँ, तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, गेटिंग प्लस यूज टू। रूल देख लेते हैं हम, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की हेल्पिंग वर्ब प्लस गेट प्लस यूज टू प्लस ऑब्जेक्ट या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। सेंटेंस देख लेते हैं, डोंट वरी इफ योर फादर इन लॉ इज स्ट्रिक्ट, चिंता मत करो अगर तुम्हारे ससुर सख्त है, यू विल गेट यूज टू हिम, तुम्हें उनकी आदत हो जाएगी। अब यहाँ पर हम जॉब वगैरह के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे आप किसी को कहना चाहते हो कि चिंता मत करो अगर तुम्हारी नौकरी बहुत मुश्किल है, तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। डोंट वरी इफ योर जॉब इज वेरी टफ, यू विल गेट यूज टू इट, चिंता मत करो अगर तुम्हारी नौकरी बहुत मुश्किल है, तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। इट टुक मी अ फ्यू मंथ्स टू गेट यूज टू लिविंग इन दिस हाउस, आई एम गेटिंग यूज टू हैविंग कॉफ़ी, मुझे कॉफ़ी पीने की आदत हो रही है। यहाँ पे आप टेकिंग भी यूज कर सकते हैं, ओके। आई हैव गॉट यूज टू मेकिंग वीडियोज, मुझे वीडियो बनाने की आदत हो गई है। आई एम गेटिंग यूज टू वॉचिंग मूवीज़, मुझे फिल्में देखने की आदत हो रही है। इस तरह से आप गेटिंग यूज टू यूज़ करेंगे। अब हम देख लेते हैं कि यूज टू और वुड क्या डिफरेंस है इनमें। आप कहते हो कि मैम आपने यूज टू का भी यही समझाया है कि पास्ट हैबिट बताने के लिए, और वुड में भी आपने एक बार बताया था कि पास्ट हैबिट के लिए हम यूज़ करते हैं, तो अब इनका भी डिफरेंस देख लेते हैं। वेन वी यूज बोथ दैम टूगेदर, यूज टू मोस्ट कॉमनली कम्स फर्स्ट, जब हम दोनों को एक साथ यूज़ करते हैं तो जो यूज टू है वो पहले आता है, उसके बाद आप वुड यूज़ करेंगे। जैसे आप बचपन की अपनी कोई बात बताते हो तो वो सब पास्ट में थी, और तो आप जब पहले पहले आप यूज़ करेंगे यूज टू, उसके बाद आप वुड यूज़ करेंगे, और जितनी भी बातें आप बताएंगे उन सब के लिए आप वुड ही यूज़ करेंगे, ओके। When I was unmarried, जब मैं unmarried थी, I used to do yoga for 2 hours, मैं 2 घंटे योगा किया करती थी। I would learn Russian, मैं रशियन सीखा करती थी। I would learn painting, मैं पेंटिंग सीखा करती थी। ऐसे ही मैंने यहाँ पे एक बार तो used to use किया, उसके बाद मैंने क्या use किया, would। अब हम देख लेते हैं कि कहाँ पे हम would का use नहीं करते। जब हम past की कोई situation को describe करते हैं, state को describe करते हैं, तो हम वुड यूज़ नहीं करेंगे, यूज़ टू यूज़ करेंगे, ओके। आई यूज़ टू लिव इन उटावर्ड, मैं उटावर्ड में रहा करती थी, यानी कि यहाँ पे क्या है, ये मेरी एक स्टेट है, ना कि कोई एक्शन है। आई वुड लिव इन उटावर्ड, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत। आप क्या यूज़ करेंगे, यूज़ टू। आई यूज़ टू लिव इन इंडिया, आई यूज़ टू लिव इन अमेरिका, इस तरह से आप यूज़ टू यूज़ करेंगे, ओके। I used to have a bicycle, मेरे पास एक साइकिल थी, यहाँ पे आप used to use करेंगे, आप यहाँ पे would use नहीं करेंगे, क्योंकि have से ये पता चल रहा है कि आपके पास कोई चीज़ थी, यानी कि आप किसी चीज़ के owner थे, ओके, और अभी वो चीज़ आपके पास है नहीं, यानी कि जो state verbs होती हैं उनके साथ आप would use नहीं करेंगे। आप कौन सी होती है state verbs, वो जैसे feel, appreciate, recognize, have, ठीक है, एंग्री, और भी बहुत सारी होती है, आप चेक कर लीजिए एक बार। तो ये था आज हमारा यूज़ टू का यूज़ कैसे करते हैं, यूज़ टू वर्सेस वुड क्या होता है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए,
और प्लीज़ अगर हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, बाय।